खालाजान ये स्कूल अच्छा रहेगा ना? माँ जी कबीर से इस बारे में बात करो। बिल्कुल अजरा देखो, दिखाओ हरा, तुम भी कौन से स्कूल का फॉर्म उठा लाई हो? क्यों मतलब ये स्कूल इतना अच्छा नहीं है जहाँ बच्चों को पढ़ाया जा सके? हो सकता है पढ़ाई अच्छी हो पर वहाँ पर ज्यादातर गरीब। हमारा मतलब है कि पढ़ाई अच्छी होगी अजरा, तो इतना क्या सोचना, क्या फर्क पड़ता है? और रही बात गरीब की, तो देखा जाए बच्चे गरीब ही तो हैं ना, वो कभी किसी स्कूल में गए हैं ना कबीर की फैमिली की तरह हाई क्लास सोसाइटी में पले बड़े हैं, तो और वैसे भी अगर बच्चे किसी बड़े स्कूल में जाएंगे ना तो उन्हें मैनेज करने में बहुत तकलीफ होगी, तो अच्छा ये है ना कि वो इसी स्कूल में पढ़े, और हम कह रहे हैं ये स्कूल उनके लिए बेस्ट है। ये लो बच्चे, खाना आ गया है सबके लिए। तुम्हारा नाम अमान है ना? हाँ। तुम्हें नीचे जाकर खाना है। यहाँ क्यों नहीं खा सकते हम? क्योंकि हम तुम्हारे लिए खाना नहीं लाए। जाओ नीचे जाके अपनी अम्मी के साथ खाओ। जाओ तुम लोग हाथ धो कर आओ, जाओ जल्दी से। हाँ चलो। खाके सब हसीन सपनों में खो जाते हैं, हसीना की गोली से बच्चे जल्दी सो जाते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाओ खाओ बेटा। चलो अब जल्दी से सो जाओ। हाँ ये सोने का वक्त तो नहीं है। तुमको नींद आ रही है ना, तो जाओ जल्दी सो जाओ। जब तुम्हें फिर से एलर्जी हो गई? रुको रुको हम दवा देते हैं। रुको, उस दवाई से कुछ नहीं होगा, मैं देती हूँ दवाई। तो आजा बच्चे नीचे आजा। आजा आजा लो पी लो। क्या हुआ आपको, आप इतनी परेशान क्यों लग रही? अल्लाह पाक की कसम ये बच्चे या बला है बीबी, मैं नहीं संभाल पाऊंगी। मतलब बच्चों को जरा सी तालीम नहीं है, कैंची की तरह जुबान चलाते, मस्तिया पे मस्तिया, ना नमाज पढ़ने का तरीका ना ही बात करने का सलीका। मुझे लगता है ना इनको ना इस्लामी तालीम वगैरह नहीं मिले लगता। अस्तगफिरुल्लाह, बच्चों को रोजा नमाज का सलीका नहीं है? हमने इस बात पर पहले गौर क्यों नहीं किया? ऐसे बच्चे तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप परेशान मत होइए, हम कुछ करते हैं।
देवेंद्र खन्ना के साथ बिजनेस जो तुम कर रहे हो उसमें क्या तय किया है तुमने? उनके साथ कोई पार्टनरशिप बन रही है? नहीं नहीं, वो असल में सारे पैसे वो इन्वेस्ट करे, हम तो सिर्फ भागीदार है। तो तुम पार्टनरशिप क्यों नहीं करते? अबे बराबरी का पार्टनरशिप कर सकते हो, 50 लाख रुपए हम लगा देंगे। नहीं, हम चाहते इस बार हम अपने दम पर कुछ करें ताकि हमारे वालिद उनका सर फकर से ऊंचा हो। हमें फकर है तुम पर कबीर, पूरी जिंदगी हम मेहनत करते रहे क्यों? ताकि हमारे बच्चे खुशहाली में रहे जी, उन्हें कभी किसी मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। बिल्कुल, तो हमें अपना फर्ज निभाने दो, ये पैसे तुम ले लो। अबू कबीर, हम तुम्हारे अब्बू हैं और हमारी बात मानना तुम्हारा फर्ज है। अस्सलाम वालेकुम अबू। अरे काशा, अस्सलाम वालेकुम। ये फाइल तुम भूल गए थे। शुक्रिया कशान, कबीर के अकाउंट में 50 लाख रुपए ट्रांसफर कर देना। अल्लाह तुम्हें कामयाबी बख्शे। ठीक है, शुक्रिया अबू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, हम निकलते हैं। 50 लाख रुपए अबू, वो पैसे हमने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए रखे हैं, ऐसे कैसे दे दें उसे? पहली बात, हमारे फैसले पे कोई सवाल उठाए ये हमें पसंद नहीं कर सकता। और कबीर जो कर रहा है वो ज्यादा जरूरी है। अगर उसका बिजनेस कामयाब हो गया तो इस माशरे में उसका कद बढ़ जाएगा। पैसे ट्रांसफर कर देना। और हाँ कशान, तुम कंपनी के मालिक हो, कंपनी के वर्कर्स के साथ इतनी करीबी बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी दरिया दिली के चक्कर में कंपनी का बहुत नुकसान हो रहा है। कंपनी का फंड कहाँ इस्तेमाल हो रहा है कहाँ नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। जरा ध्यान दो इस पर। हमसे पाई पाई का हिसाब और उसे बिन मांगे 50 लाख? इसमें नया क्या है कशान? हमेशा से इस घर में सारा लाड प्यार तो कबीर को मिला है, तुम्हें तो सिर्फ घर में एक मजदूर की तरह समझा जाता है। बदकिस्मती से हमने इस बात को तो कबूल कर लिया है, तुम भी कबूल कर लो। मजदूर नहीं है जीनत, इस बिजनेस को बड़ा करने के लिए हमने अपना खून पसीना एक किया है, ये नाइंसाफी नहीं होने देंगे। अरे ये आप क्या कर रहे हैं? बेटा पानी आने का वक्त हो गया है और इस नल में रोज लीकेज होती है, तो हमने सोचा थोड़ा ठीक कर दे। तो आप हमसे कह देते, हम कर देते, लाइए हमें दीजिए। आपसे नहीं होगा। हमसे नहीं होगा मतलब? आपको पता नहीं है कि हमारी बागों में कितनी ताकत है, हमें अपनी बेटी नहीं बेटा समझिए आप। लाइए हमें दीजिए, हम करते हैं। चलिए अब हम आ गए ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए चलो बेटा, आप ही करो। शाबाश। रुको रुक, अरे अरे चलो क्या, हमारी मदद करो। हाथ डालो उसके ऊपर। क्या कर रही हो तुम? हम नल ठीक कर रहे हैं। ऐसे कोई नल ठीक करते चलते पानी में? चलते पानी में नहीं कर रहे थे हम। नल का है? हाँ नल ढूंढो। ये रहा। हाँ चलो, 1 2 3। अरे कबीर मियां, आप? अगली बार ना ऐसा कोई भी काम हो खुदा के वास्ते इसे मत कहिएगा। हमने तो पहले ही मना किया था।
कि आपके बस का नहीं है। खैर, आपके सारे कपड़े गीले हो चुके हैं, आप सुखा लीजिए। जरूर काजी साहब, हम अपने आप को सुखा देंगे। शुक्रिया मोहतरमा आपकी ये मदद के लिए। हमें तेरा खाना नहीं खाना। फिरदौस खा ले, नहीं तो ये लोग हमें ये खाना भी नहीं देंगे। लेकिन हमें टीका खाना पसंद नहीं है। ये तुम्हें तीखा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं है। ये बहुत अच्छा है। अच्छा तो तुम खा लो। ए महारानी, उठ, नीचे उतर के सो। सुनाई नहीं देता, उठो, नीचे उतर के सो। हाय, मेरे कमर में बहुत दर्द है, मुझे सोना है। अलीशा, जारा अप्पी, क्या हुआ? क्या हुआ मेरी जान? हमें यहाँ नहीं रहना अप्पी। ये लोग हमसे बहुत सख्त बर्ताव करते हैं। ये तुम हमारे घर में क्या कर रही हो जारा? अलीशा, बच्चे हम मानते हैं कि जिस तरह की परवरिश हम तुम्हें दे रहे हैं वो उससे तुम्हें थोड़ी सी परेशानी होगी। तू अपनी जारा अप्पी के साथ रही हो, लेकिन इसने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। हम तुम्हें अच्छी तालीम दे रहे हैं। तालीम दो, लेकिन बच्चों के साथ ऐसा बर्ताव तो मत करो, ये गलत है। तुम होती कौन हो हमें ये सब कुछ बोलने वाले? और तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हारी सुनेंगे? नहीं, हमें पता है कि तुम हमारी बात नहीं सुनोगी, मगर एक ऐसा इंसान है जो हमारी बात सुनेगा भी और समझेगा भी, और उसकी बात तुम्हें सुननी पड़ेगी। हेलो कबीर, जल्दी से अपने घर आ जाओ, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, प्लीज। कबीर, हम मानते हैं कि तुमने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहे हो, और उसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। लेकिन कुछ करने से पहले एक बार बच्चों की उनकी खुशी किसमें है ये पूछ लो। उन्हें किसी चीज की तकलीफ तो नहीं ये जान लो। हम बस इतना ही कहना चाह रहे हैं। ये तुम क्या कह रही हो जारा? हम बच्चों का या उनकी खुशी का ख्याल नहीं रख सकते? माना कि जो परवरिश हम बच्चों को दे रहे हैं उसमें उन्हें थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन हम बच्चों को एक अच्छा इंसान, एक बेहतर मुस्लिम बनाना चाहते हैं। सारा, रुखसार जो कह रही है सही कह रही है। जो कुछ भी हम कर रहे इन बच्चों के लिए तो कर रहे, और उनकी भलाई के लिए है ये, और ये जो तकलीफ हो रही है ना इनकी बेहतरी के लिए है। इन्हें तालीम दिलवाना हमारा फर्ज है और हम अपना फर्ज निभाएंगे। लेकिन कबीर, बस इस पे बहस नहीं होगी। वालिदैन हैं हम इनके, हमें इनकी फिक्र है बहुत ज्यादा, शायद तुमसे भी ज्यादा। कबीर, हम तो सिर्फ इतना चाहते, समझते हैं हम,
तुम्हारे जज्बात हम बिल्कुल समझते, लेकिन तुमको हम पर यकीन रखना होगा। क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही तुम्हें? रुखसार जो कुछ भी कर रही है उनकी बेहतरी के लिए तो कर रही है। खुदा के वास्ते हम तुमसे एक गुजारिश करें कि उनकी तरबियत में रुकावट मत बनो तुम। लेकिन जारा, अगर तुम इनसे थोड़ी सी दूरी बनाए रखोगी ना, बच्चों के लिए अच्छा होगा। अच्छा, इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। पहले तुम थोड़ी देर ले जाओ, सिर्फ आराम करो, नहीं लगाएंगे इंजेक्शन। अच्छा जैद, तुम्हें याद है कि हमने तुम्हें क्या सिखाया था? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, होते हैं बहादुर जो। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, होते हैं बहादुर जो, कभी नहीं रोते वो। शाबाश। ये देखो, इंजेक्शन लग भी गया, तुम्हें पता लगा? सच्ची लग गया? ओ, हमारा बच्चा ऐसे डरते थोड़ी है। हमारा जैद तो बहुत ब्रेव है ना। अब जैद ठीक हो गया है जारा, तुम जा सकती हो। हम चले जाएंगे रुखसार, कोई बात नहीं, पहले बच्चों से थोड़ी देर बातें कर ले। कर लो थोड़ी देर बातें, हम कबीर से बात कर वापस आते हैं, तब तक निकल जाना। हमारे बच्चे, क्या हुआ था जैद, एकदम से चक्कर कैसे आ गया? वो तो हमें आते रहते सारा अभी। रोज नींद भी आती है, सर भी घूमता रहता है। आते रहते मतलब ऐसा पहले भी हुआ है? सिर्फ जैद भाई को नहीं, हमें और निशा भाजी को भी चक्कर आते हैं। क्यों, ऐसा क्या खाया था तुम लोगों ने? हमने पराठा खाया था, पर जब भी हम दूध पीते ना हमें नींद आ जाती है। तुम तीनों को ऐसा होता है? अमन, तुम्हें भी ऐसा होता है? नहीं अप्पी, हमें तो कभी चक्कर नहीं आते। फिर बच्चों के साथ ही क्यों ऐसा हो रहा है? ये क्या चीज है अनीशा? ये हमारी रोबोट कार है, हमने जैद को खेलने दी थी। इसमें रिकॉर्डिंग भी होती है और ये ब्लूटूथ से कनेक्ट भी होता है। रोज नींद भी आती है, सर भी घूमता रहता है, पर जब भी हम दूध पीते ना हमें नींद आ जाती है। अच्छा, दिखाओ तो। अरे वाह, जरा इसका ब्लूटूथ ऑन तो करो, दिखाओ।
इसने लगता है सब कुछ देख लिया वीडियो में, हमें भी देख लिया होगा। अब क्या करें, कहीं ये कबीर को ना बता दे। हानी हमें दो। छोटे बच्चों के साथ क्या क्या कबीर, इस औरत ने ना हमारे बच्चों को दूध में नशीली गोलियां मिला के दी कबीर। कल तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रही थी, आज क्या हुआ? गलत पढ़ रही हैं आप। आपको मालूम है आपकी उम्र में हमने पूरी कुरान पढ़ ली थी और आपसे अरब बेपेन ही पढ़ा जा रहा। हमें माफ कर दीजिए, ये सीन है और ये शीन है। बहुत खूब, कबीर मियां का नाम ये बच्चा रोशन करेगा। बिल्कुल कबीर मियां की तरह बनेगा, शाबाश। ए लड़की, सो क्यों रही हो? चलो उठो, जाके मुंह धो के आओ। चलो चलो, दोबारा से पढ़ो। अलीफ अलीफ बे बे तुम जा रही हो? कबीर हम तुम्हें ढूंढ रहे थे, हमें तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। कबीर तुमसे बच्चों की हालत देखी नहीं जा रही है, यहाँ कुछ तो ऐसा हो रहा है जो ठीक नहीं है। ठीक नहीं है मतलब क्या? ठीक नहीं बोलो हमें। फिर हम तुमसे कुछ जरूरी बात कर रहे हैं, तुम हमारी तरफ देख तक नहीं रहे हो। सॉरी सॉरी बोलो। कबीर हमारे बच्चे बहुत बदले बदले से हैं, हमारी नन्नी सी फिरदौस की आंखों से वो शरारत चली गई है, जैद इतना सहमा सहमा सा लगने लग गया और अलीशा कुछ भी बोलने से पहले सोचने लग गई है। कबीर हमारे बच्चों में इतना बदलाव कैसे आ गया? कबीर कल रात को बच्चे सो नहीं रहे थे, वो सोने के बजाय कहानी सुनने के बजाय अपना सबक याद करने में लगे हुए थे। क्यों? डर की वजह से। उसके बाद मौलवी साहब आए, उन्होंने भी उन्हें डांटा क्योंकि उन्होंने अपना सबक ढंग से याद नहीं किया था। वो भी सख्ती से पेश आए उनसे। मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें गलत क्या है ज़ारा? कैसी बातें कर रही हो तुम? कबीर हम तुमसे बात कर रहे हैं। हाँ ज़ारा, ज़ारा हम मानते हैं कि तुम बच्चों को एक अच्छी तालीम देना चाहते हो जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन कबीर ये इल्म उनके लिए एक तोहफे की तरह होना चाहिए, एक सजा की तरह नहीं। बच्चों को आए हुए अभी दिन ही कितने हुए हैं कबीर, अचानक से उन पे ये नई तहजीब, नए रूल्स, नए तौर तरीके थोप देना, हमें ये ठीक नहीं लगता। इससे उनके नन्हे जहन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। कबीर तुम उन्हें अच्छा इंसान बनने की तालीम दो, लेकिन कबीर सब कुछ धीरे धीरे करो, अचानक से करोगे तो बच्चे नहीं समझ पाएंगे, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कबीर चाबुक के खौफ से कबीर इंसान डरपोक बनता है, आलम नहीं। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कह रहे हैं? हमें पानी डालने देंगे? कुल मिला के यही कहना चाह रही हो कि तुम के बच्चों को पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, किसको अच्छा लगता है?
बचपन में तुम्हें अच्छा लगता था, हमें तो अच्छा नहीं लगता था। तुम्हें पता है जरा जब हम मदरसा जा रहे थे ना, कभी नहीं जाना चाहते थे, हमेशा रोते थे। लेकिन अगर हमारे अम्मी अबू ने हमारे आंसू देकर हमें वहां नहीं भेजा होता तो आज तुम्हारे सामने आलिम तो नहीं खड़ा होता, अनपढ़ गवार। तुम चाहती हो हमारे ये तीन नन्हे नन्हे बच्चे अनपढ़ है? नहीं ना, तो बस इतना कहना चाहते हैं कि बच्चों को मोहब्बत से पढ़ाया जाए, जबकि उन्हें जहन्नम और खुदा का खौफ देके पढ़ाया जा रहा है। जारा जी, खुदा का खौफ हर इंसान के दिल में होना चाहिए। अब वो आपके दिल में नहीं है, हम नहीं जानते, लेकिन हम मानते हैं हर इंसान के। देखिए, आप एक अच्छी इंसान हैं, मजहब को लेके जो आपका इल्म है ना, वो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता अगर सच कहे तो। देखिए, हम बच्चों को जो तरबियत दे रहे इसलिए दे रहे ताकि वो अच्छी जिंदगी जी सके, जीने का सलीका सीख सके और अल्लाह की बरकत में रहे। डरना सिखा रहे हो कबीर, सलीका नहीं। कबीर, अगर उन्हें तरबियत देनी है तो थोड़ा प्यार से दो। ड्रामा कर रही हूँ। क्या ड्रामा करू? जिस बात की होकर मत करो ड्रामा। हम ड्रामा कर रहे हैं? ये बच्चों की फिक्र, ये ड्रामा है? बच्चों की परवरिश जैसे की जाती है वैसे तुम नहीं कर रहे हो कभी। ये बेसहारा बच्चे तर बदर की ठोकरें खा रहे थे, हमारे बेटे कबीर ने इन्हें सड़क से उठाकर यहां ले आए। हमारे बेटे की दरिया दिली ने ना सिर्फ इन बच्चों को एक अच्छी जिंदगी बख्शी बल्कि एक अच्छा माहौल भी दिया है रहने के लिए। मगर अफसोस कि इतने बड़े शहर में हमारे बेटे के अलावा इन बच्चों को सहारा देने वाला और कोई मौजूद नहीं था। हमने ना सिर्फ इन बच्चों को आसरा दिया बल्कि इनको अच्छी तालीम भी दिलवाई। चाचा जान, माफ कीजिए, कबीर भी आ गया। हाँ कबीर, हमारे बेटे। सकिए बच्चों के लिए। बच्चों, मौलवी साहब से आपने क्या सीखा, सुनाओ सबको। अव्वल कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो एक नन्ही सी बच्ची है, ये दिखने में बहुत नन्ही है लेकिन इसमें बड़ा हुनर छुपा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि ये नन्ही सी बच्ची बहुत अच्छी रंगसाजी करती है। इन्होंने हमारी एक बहुत अच्छी तस्वीर बनाई है। जीनत जी, वो तस्वीर दिखाओ जरा, दिखाओ तस्वीर, दिखाओ। ये देखिए, देखा आप लोगों ने, इस नन्ही से बच्ची ने ये तस्वीर बनाई है। ये देखिए क्या क्या इन बच्चों ने खा दिया। आगे से ये बच्चे हमारे कमरे में नजर आए ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे नहीं नहीं बेटा, हम तो आपकी तारीफ कर रहे हैं। शुक्रिया बोलो। शुक्रिया। दरअसल ये डर रही है, इन्होंने हमारे तस्वीर का जोकर बना दिया तो इसको लग रहा है कि हम इसे डांटेंगे। लेकिन हम इसे डांटेंगे नहीं बल्कि हम तो इसे और भी अच्छी तालीम दिलवाएंगे ताकि बड़ी होकर ये बहुत ही बेहतरीन रंगसाजी करे। Thank you.
जैसे इन बच्चों का मन साफ है, हमारी पार्टी भी बेदाग है। और ऐसे नेक कामों को बढ़ावा देती है। कबीर इधर आओ। अरे आओ कबीर, आओ आगे आओ। हमारे बेटे ने जो कुछ भी किया है उसकी मिसाल आजकल कहां देखने को मिलती है। और हम दुआ करेंगे कि अल्लाह इसे हौसला दे और ये कौम की खिदमत इसी तरह करता रहे। हमें खुशी है कि अल्लाह ने हमें बेटे की शक्ल में एक कौम का ऐसा एक हमदर्द दिया है और सच्चा मुसलमान दिया है। हम इसके जज्बे को सलाम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर कबीर जैसे बनेंगे।